Hey, what's up guys? Welcome back. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे यानी कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को लैपटॉप में देख सकते हैं। तो इसको बेसिकली कहते हैं स्क्रीन कास्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एप्स और बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आई थिंक वो सभी सबके लिए वर्क नहीं करते, ठीक है। तो स्क्रीन कास्टिंग मतलब विंडोज पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है, तो वो सारी बहुत चीजें हो गई, लेकिन जो बहुत ही सिंपल एंड आसान सा तरीका जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये मैंने अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे कास्ट की हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एयरड्रॉइड ऐप की। तो इसको जस्ट जाके प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए एयरड्रॉइड, और आपको पहले ऑप्शन ए वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ओके गाइस, तो यहाँ पे जब आप इस एयरड्रॉइड पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैंने अपने फोन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके रखा है, तो आपको ये वाला जो है स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप अभी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एयरड्रॉइड माई डिवाइसेस नियर बाय एंड फ्रेंड्स। तो आपको एयरड्रॉइड वेब पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों पे नहीं कुछ करना है, सिर्फ एयरड्रॉइड वेब पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो होगा आपके पास ए वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम अभी कम कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको पहला वाला जो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन वन विजिट दिस वेबसाइट, और ऑप्शन टू कनेक्ट वाया आईपी एड्रेस। तो आपको ए वाला चूज करना है, ठीक है। तो बहुत इजी होता है गाइस। तो आपको जस्ट क्रोम ओपन करना है, और जो भी यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसको आपको जस्ट क्रोम में सर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा आपके मोबाइल में ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस और उसके साथ एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ए वाला विंडो, ठीक है। तो उसके बाद आपका मोबाइल कनेक्ट हो चुका होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। तो एयरड्रॉइड पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, तो मोबाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यही वाला जो है विंडो आ चुका है। तो इतना इजी होता है गाइस अपने मोबाइल को स्क्रीन करके। जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो ए वाला विंडो डायरेक्टली नहीं आएगा, तो आपको जस्ट करना है मिरर पे। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके वो जो मैंने बताया था आईपी एड्रेस ऐसे डाल के ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद राइट नाउ ऐसे आपके पास एक्सेप्ट वाला आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो उसके बाद ठीक है, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है इसलिए रिकनेक्ट ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यही सारा कुछ होता है गाइस। तो इतना आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे मिरर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे मोबाइल में अभी एक नोटिफिकेशन और आएगा, एयरड्रॉइड विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे मुझे क्लिक करना है, तो मैं अपने मोबाइल पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ए वाला ऑप्शन आ जाएगा और मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस ट्रिकी एंड टिप्स पाने के लिए इन फ्यूचर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके साथ हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा होता है इसके लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।